आइए, चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन पर रहे थे, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। तो अब जरा देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। अच्छा, मैं भी अपना वीडियो भी अब ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है ना, वरना तुम लोग कहोगे कि मेरा वीडियो ऑफ करा दिया खुद चलाए हुए। ले, मैंने भी ऑफ कर ली, ओके। तो आइए जरा प्रोजेक्टाइल मोशन के मजे लेते हैं, ठीक। ये आपका देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एक पत्थर को फेंकते हैं, राइट। पत्थर को कहाँ फेंकते हैं, पत्थर को मान लीजिए कि पॉइंट ओ से इस पत्थर को फेंका, ठीक है, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, ठीक है, समझ गए। जो नए बच्चे हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, तुमने यदि पत्थर को फेंका है तो, ठीक है, ये वाई एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और सॉरी ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो पत्थर क्या होता है, ऊपर भी जाएगा, नहीं ऊपर भी जाएगा और ये हॉरिजॉन्टली भी ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा पत्थर, ठीक है, ये अर्थ सरफेस पर ये गिर गया, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको पॉइंट ए बोलेंगे और ये क्या है, स्ट्राइकिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, ठीक है। पत्थर को यू वेलोसिटी से यहाँ फेंका और ये हाइट सेम है, ठीक है राजवर्धन, तो हाइट सेम है तो फिर यहाँ भी वेलोसिटी यू ही होगा, समझ गए। पत्थर को जिस वेलोसिटी से तुम फेंकोगे उसी वेलोसिटी से पत्थर तेरे हाथ पर आएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, अभी तक अपन ने सीखा ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू माइनस जी सॉरी माइनस यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा, राइट। अब देखो, आप लोग जानते हो सुमेध कि क्या होता है, जरा देखिए, इस हाइट को, ये पत्थर को जब तुमने फेंका तो पत्थर मैक्सिमम हाइट ये अटेंड किया एच, है ना, एच हाइट अटेंड किया, राइट, ठीक है। पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है जानते हो, t इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी, समझ गए, टू यू साइन थीटा बाय जी, ओके, राइट। तो यहाँ पर पत्थर जब आएगा मैक्सिमम हाइट पर तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो,
है ना, ये आप लोग जानते हो, राइट ना। और एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी एक्स कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, यू कॉस थीटा। ओके, अब जो अदिति है और नए बच्चे वो बोलेंगे कि ये कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो एक्स एक्सिस के अलोंग, माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी होता है। माइनस जी क्यों, क्योंकि इधर तुम पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो पत्थर को नीचे की तरफ कौन लाएगा, धरती माता लाएगी। एक्सेलरेशन के कारण, एक्सेलरेशन के कारण स्टोन नीचे की तरफ गिरेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन कहाँ गिरेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ। ओके, तो किसी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर भी, इसका इक्वेशन हम लोगों ने कल सीखा था, जो नए बच्चे हैं वो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये सब आपको फिर से पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं पालिएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब पत्थर आया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट कवर के लिए नहीं के लिए, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, आप लोग जानते हो, ओ और पी को मिलाने वाला लाइन होगा, ये लाइन होगा, ठीक है ना, राइट। ओ और पी को मिलाने वाले लाइन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, नहीं कहते शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर भी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आए, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी होता है। ये एक फॉर्मूला हो गया, एक नंबर, ठीक है। यूनिट वेक्टर जे, ओके, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, यू कॉस थीटा इनटू टी, यूनिट वेक्टर आई प्लस, ठीक है, यू साइन थीटा इनटू टी माइनस आप जी टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, ठीक है, यूनिट वेक्टर जे, ओके, ठीक है, राइट ना, हाँ जी। अब देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हो गया, पत्थर को तुमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, पत्थर को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका। तो जितने टाइम तक पत्थर जो है एयर मीडियम में रहा, ठीक है, सादिया, उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट ना, ठीक है। तो सिद्धि का आज तुम आई है, तो पहले तो मैसेज कीजिए जरा सिद्धि का, टेंशन नहीं लेने का,
देखो सादिया क्या फटाफट मैसेज कर रही है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये जो मैक्सिमम हाइट होता है ना, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ठीक है मैक्सिमम, इसको ऐसे लिखेंगे मैक्स और एम लिख देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है सुमित, क्या होता है कोई बोलेगा मेरे को, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये क्या होता है, ये क्या होता है जानते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एट हॉरिजॉन्टल, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया ना, इसको ये जो आर है इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक्स के लिए फॉर्मूला जानते हैं अपन, है ना, तो एक्स का वैल्यू यदि आर हो गया तो इसको क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज पर, माने पृथ्वी पर अर्थ सरफेस पर हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट जो पत्थर आपने फेंका है वो जितना मैक्सिमम हाइट अटेंड सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो पत्थर यहाँ कब पहुंचेगा टी इज इक्वल टू टी टाइम पर पहुंचेगा ना, टी इज इक्वल टू जब कैपिटल टी हो जाएगा तो पत्थर यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, और इधर की तरफ वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा, है कि नहीं यू कॉस थीटा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गया, ये क्या हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल, ठीक है पार्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल, अब इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं ना, तो शॉर्ट में क्या लिख देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस चलेगा, ओके अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है समझ गए कि नहीं। तो पत्थर को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम लगा, कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या ये है, ठीक है ओके। तो और इधर वेलोसिटी कितना है यू कॉस थीटा, वेलोसिटी कितना है इधर इस एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा, ठीक है। तो आप जानते हो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी होता है ना, राइट right, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस, ठीक है। तो यदि इस फॉर्मूले में इफ टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी हो गया, देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
ठीक है, देन एक्स को क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी। ओके, यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी, ठीक है, राइट। अब चलिए जरा अब उसका वैल्यू रख देंगे, टी का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ इसको जगह बनाऊं, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, ये सेव हो गया अरे भाई। ओके हाँ जी, सेव जाला। अब इसको थोड़ा सा क्या करूं, जगह तो अपन को चाहिए, इरेज़ ही कर देता हूँ, ये सब तो देख लिया ना आप लोगों ने, है ना। अब क्या करेंगे, अब जो लिख नहीं पाएंगे, जो नए बच्चे हैं उनको टेंशन नहीं लेने का, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है, ये सब स्टोर्ड है, टेंशन गए नहीं, ठीक। तो जरा देखो जी, अब यहां से इधर चलते हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इनटू टी का वैल्यू कितना रखेंगे, टू यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। ओके, टू यू साइन थीटा बाय जी। तो आर इज इक्वल टू, देखना जरा यहाँ पर थोड़ा सा क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर इन ब्रैकेट टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बाय जी। ओके बाय जी। अब ये देखो, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जानते हो, टू साइन थीट साइन टू थीटा, इसीलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इनटू साइन टू थीटा बाय जी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए। तो हॉरिजॉन्ट अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, साइन टू थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इस तरह से हम लोग ये सभी फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है। ओके अब देखिए जरा जी, अब क्या होता है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल के मजे लेते हैं अपन, ठीक है। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अब न्यूमेरिकल के मजे लेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा क्या क्या न्यूमेरिकल होता है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, ठीक। अब आपसे कोई कहता है कि फाइंड फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट टी, मैक्सिमम हाइट एच एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर, व्हेन व्हेन, एक क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। देखिए जरा कैसा क्वेश्चन है, इस तरह से है, ये वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया और ये वर्टिकल हाइट हो गया, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है, यू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये एंगल कितना है जानते हो? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ओके, तो टी एच और आर का वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है, फाइंड आउट कीजिए जरा, टी एच एंड आर। ओके, हाँ जी बोलिए। आप कौन बोल रहे हो? अच्छा, तेरे को आज वो मीटिंग का पासवर्ड नहीं गया क्या? अरे तो पहले बोलना था ना रे। हाँ, हाय सर करके भेज मेरे को व्हाट्सएप पे जल्दी, हाय सर करके भेज तेरे व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी। तो देखिए यहाँ पर गिवन दैट क्या है, गिवन दैट, गिवन दैट पहले लिखने का, ठीक है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट ना, यू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, राइट, यू इज इक्वल 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखिए यहाँ पर जरा क्या करेंगे, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे वाह, वेरी गुड अनुराग, जी का वैल्यू यहाँ पर क्या लेने का? 10 लेने का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फटाफट बना लोगे आप लोग, ठीक है। टी इज इक्वल टू क्या है? टाइम ऑफ लाइट। टी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? टू यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी।
अब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके तो 2 into 40, ओके साइन 60, राइट बाय जी का वैल्यू 10। ठीक, सॉल्व करेंगे तो t = संगा 2, अब ये 40 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो 4 साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाय टू। ये क्या हो गया, 4√3 सेकेंड हो गया, है कि नहीं, 4√3 सेकेंड। ओके जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश अंतरा, वेरी गुड, सिद्धिका, अदिति, ठीक है। जी का वैल्यू 10 क्यों लिया, क्योंकि जी का वैल्यू बेटू 10 होता है, 9.8 होता है, लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वी कैन टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ठीक है, राइट। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, h = फॉर्मूला क्या होता, u² sin² θ/2g, ठीक है, h = u² sin² θ/2g। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो u का वैल्यू कितना है, 40 का स्क्वायरिंग कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा √3/2 का स्क्वायरिंग करोगे, अपॉन 2 into g का वैल्यू कितना, 10। ठीक है, फटाफट सॉल्व करके बता जरा मेरे को, h = बोल, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो या देखो यहाँ पर 1600 और ये 3 रहेगा, राइट, और ये 2 तो रहेगा ही, यहाँ 20 लिख देता हूँ, into और ये नीचे 4 आएगा, ओके ना, ठीक है, राइट। तो सॉल्व करोगे तो ये सब कट पिट करके कितना हो गया, 50 नहीं हो गया, ओए सॉरी 50 नहीं रे, राम राम राम, वेरी बैड, ठीक है, ये कितना हो गया जी, इसको कट पिट करके क्या हो गया, 20 हो गया, तो h = 60 meter, शाबाश, है ना, h = 60 meter। देखो कितना सिंपल है ये सब, गुड, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट ना, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने का, अब आर पाइजे ना अपन को, r = ठीक है, u cos θ (T), वो अपन उतना बड़ा फार्मूला काहे को लिखेंगे, लिखने की जरूरत है क्या, ये देख u cos θ (T), ठीक है, ओके, तो u का वैल्यू 40, cos 60, है ना, (4√3), तो अब cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये क्या हो गया, 20, ठीक है, तो r = शाबाश 80√3 meter, समझ गए, 80√3 meter, आया कि नहीं आया, अब देखो जरा सा, बड़ी मजेदार चीज है, अब जरा देखना यहाँ पे, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, और हटाता, अब क्लियर कर देता है इसको, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है,
देखिए जरा, एक ये वर्टिकल लाइन ले लिया, एक ओरिजोंटल लाइन ले लिया, वर्टिकल लाइन ओरिजोंटल लाइन, ठीक है। अब आपसे कहता है यहाँ पर एक ऐसा है और एक ये ऐसे, यहाँ U1 इज इक्वल टू कितना है पता है? U1 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो एंगल है ना वो है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, समझ गए। और U2 इज इक्वल टू है, जानते हो, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ गए। अब आपसे कहता है इसके फाइंड R1 बाय R2, ठीक है, दोनों के हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशो निकालो, फाइंड R1 बाय R2, ठीक है। तो निकालिए तो जरा जल्दी जल्दी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेट कर रहा है, ठीक है। सिद्धि का अभी आपको हो सकता है आज प्रॉब्लम होगी, पाने टेंशन गैचे ना ही, दिमाग लगाने का। आर इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, U²sin2θ/g, ये इधर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग तब तक सॉल्व करो, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बना के रखता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो R1 और R2 के लिए देखो पहले फॉर्मूला बनाना चाहिए, फिर वैल्यू पुट करना चाहिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए जरा, यहाँ पर R1 के लिए सोचो जरा साहब, ये जी तो दोनों के लिए सेम होगा ना, होगा कि नहीं होगा, जी तो सेम होगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 बाय R2 इज इक्वल टू
अदिति, ये क्या हो जाएगा यू वन स्क्वायर साइन टू थीटा वन बाय, ठीक है, यू टू स्क्वायर साइन टू थीटा टू, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब आर वन आर टू का वैल्यू रखोगी तो ये पहले नहीं सॉल्व हो जाएगा। अब इसको डन डना डन वैल्यू पुट करने का, एंजॉय करने का, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करने का और एंजॉय करने का। तो देखिए यू वन कितना है, यू वन 40 का स्क्वायर हो गया, नहीं, और साइन टू इन टू, देखना यहाँ ये क्या है 30 है, ओके, अपॉन यू टू कितना है 30, है ना, 30 का स्क्वायर, और ये साइन 2 इंटू 60 हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू, आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी जीरो, ये जीरो निपट जाएगा, ये है ना जीरो जीरो सब जाएगा, ऊपर में 16/9 इनटू, अब इसका वीडियो गेम खेलते हैं, साइन 60, साइन 60/120, ठीक है, साइन 60/120। अब आप लोग जानते हो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 कोई बोलेगा, साइन 60 और 120 इस दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम सेम, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया 16/9, ठीक है ना, 16/9, ओके। और देखिए यहाँ पर अब h/r, यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हो कि h इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, बताए कि नहीं, और r इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो काम की चीज है वो कैंसिल हो जाएगा बाय g, ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक, ऐसा करने आप बोलोगे आप हम तो ऐसे कैलकुलेशन करके बना लेंगे, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि यू आर राइट, बट पहले कैलकुलेशन कराइचे, देन आफ्टर सॉल्व कराइचे, तो क्या होगा, आपको इसको डेराइव करने का मेथड समझ में आएगा, और अपन को क्या होता है, ये मेंटल मैनेजमेंट है, ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे। तो h बाय r इज इक्वल टू, ठीक है, हम देखो दिस अपॉन दिस, तो u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर बाय g कैंसिल हो गया, नहीं हो गया राइट ना, एक साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा गेले गेले कि नहीं गेले, संगा माला, ठीक है, ओके। तो ऊपर में क्या बचेगा, साइन थीटा, क्यों एच ऊपर है ना, तो ऊपर में बचेगा साइन थीटा बाय, नीचे में क्या बचेगा, टू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो क्या मस्त रिलेशन आ गया तेरे को, नहीं आ गया रिलेशन, टेन थीटा बाय टू। अब कहीं मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में एच बाय आर का वैल्यू 10θ/2 लिखा हो, तो टिक करके नहीं भाग जाएंगे, है कि नहीं है, राइट ना। अब इसका वैल्यू 60 दो, भले भले करो, ओके। तो एच बाय आर इज इक्वल टू,
ठीक है, अब वैल्यू पुट करने का ताकि अपन को ये आ गया समझ में, ठीक है। नहीं आ गया तो 10:30 का वैल्यू कोई बोलेगा मेरे को, सॉरी 10:60 का वैल्यू, 10:60/2 कोई तो बता दे जरा मुझको, बोलो जरा, बोलिए। अरे वाह पूर्व, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब देखो कितना डन 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 हो जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ जाएगा अपना, है कि नहीं, √3/2। तो आपको ये न्यूमेरिकल नहीं बता रहा मैं आपको ये सब रिलेशन बता रहा हूँ, समझ गए प्यारे, ये सब रिलेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सब डन डन कैसे कैसे बनवाए बनाने का, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए और इवन देखिए एनडीए क्रैक करने के लिए, आगे मैनेजमेंट का भी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि अब मैनेजमेंट में भी जो आईआईएम वगैरह ना उसमें दो टाइप के कोर्स चलने लगे हैं अब, एक होता है एमबीए वाला, ठीक है, 3 ईयर वाला कोर्स, और दूसरा क्या होता है 5 ईयर कोर्स आफ्टर 12, ठीक है। तो उस सब के लिए अपना दिमाग एक्सटेंडेड करके रखने का, ऐसे नहीं कि बस हाँ जयराम जी की कुछ भी किए जा रहे, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हो ये पढ़ाई जहां भी हो वहां काम आना चाहिए, ठीक है, राइट ना। जो एग्जाम देंगे दिल खोल के देंगे, इसीलिए इसीलिए क्या करने का, सीखने का, लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग स्टडी एटसेट्रा, ठीक है। लर्न करेंगे तो सब जगह काम आएगा, ठीक है। ऐसा होगा कि साइकिल चलाना सीखा और उसके बाद बाइक चलाना शुरू किया, चलाना सीख लिया तो साइकिल चलाना भूल गए, ऐसा होता क्या? लेकिन सोचो जरा, साइकिल चलाने की किताब पढ़ी अपन ने, ठीक है, वो पूरी थ्योरी पढ़ी, देयर इज ए बाइसिकल, देयर आर टू व्हील्स, वन इज पैडल, देयर आर टू ब्रेक्स, है ना। अब ऐसा केवल पढ़ेंगे, राइट। तो साइंस में क्या करने का, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, सीख रहे, ठीक है। अब सीखने में गिरेंगे तो कौन सी बड़ी बात हुई, साइकिल चलते समय गिरते नहीं थे क्या सांगा? सुमित साइकिल चलाते समय गिरे कि नहीं गिरे? अभी बाइक चलाना सीखोगे या कई बच्चे सीखे होंगे, है ना, तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? अभी गर्ल्स वगैरह कई गर्ल्स अभी बाइक चलाती होगी फिर भी ब्रेक लगाने के बदले पैर से ब्रेक लगाती है कि नहीं? तो सीखेंगे धीरे धीरे, ओके। तो आगे चलते हैं, चलिए अब थोड़ा कुछ नए क्वेश्चन का मजे लेते हैं आज, ठीक है, नए क्वेश्चन का मजे लेते हैं, जरा इसको क्लियर करता हूँ। सिद्धिका देखिए, तो आपने आज क्या पढ़ा, अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारे पास फॉर्मूला कितने हैं, टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट क्या हो गया, पत्थर को फेंका तो पत्थर तेरा जितने टाइम तक फ्लाई करते हैं उस टाइम को क्या करते, टाइम ऑफ लाइट कहते, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2u sin θ/g, ठीक है, 2u sin θ/g। अब देखिए जरा, अब इसके एनालिसिस करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ लाइट, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू वेरी करेगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू वेरी करेगा फॉर
थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 90, टाइम ऑफ लाइट टी क्या होता है, मैक्सिमम होगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, समझ गए। साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1, और मिनिमम कितना होता है, 0, ठीक है, मिनिमम मिनिमम कितना हो गया, 0, राइट ना। तो पत्थर को किसी वेलोसिटी से यदि हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो टी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, टी विल बी मैक्सिमम, एक बात। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टू यू बाय जी, राइट, टू यू बाय जी, आए समझ में। ठीक, अब देखिए ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात देखो नंबर टू, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए दो पत्थर को सेम एंगल पर फेंका अपन ने, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा। अब देखो क्या होता है, यदि तुमने किसी पत्थर को फेंका, ठीक है, पत्थर को आपने फेंका, ओके, तो ये पत्थर कैसे जाता है, ऐसे ऊपर जाएगा नहीं, और फिर ऐसे नीचे आएगा, राइट। अब देखो यहां से यदि इसको ये मैक्सिमम हाइट का लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक, पाथ कैसा है, पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है, पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। अब देखना जरा वीडियो गेम, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ना, ये डिस्टेंस ये सेम है, और ये डिस्टेंस भी मस्ट भी सेम, मतलब इसको यदि टू पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, सेम होगा, समझे। तो यहां से यहां तक पत्थर को आने में यदि T1 टाइम लगता है, तो यहां से यहां तक आने में पत्थर को T2 टाइम लगेगा, समझ गए ना, ठीक है सादिया। यहां से यहां तक पत्थर को आने में T1 टाइम लगा, तो ये जो टाइम है ना, इसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, और ये क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो आप लोग जानते हो इसको यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, तो टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, T1 मस्ट बी इक्वल टू T2, ठीक है, और यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम टी लगता है आपको, टी इज इक्वल टू क्या, टू यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो इस तीनों में रिलेशन क्या हो गया, तीनों में क्या रिलेशन हो गया जानते हो, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कैपिटल टी, और ये रिलेशन T1 इज इक्वल टू T2, इट मींस व्हाट, इट मींस वी कैन से दैट T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T/2, मीन्स इट मीन्स वॉट, इट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, बराबर होता है, पत्थर को मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, पत्थर को नीचे उतरने में भी उतना ही टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि पत्थर ऊपर गया तो
ज्यादा टाइम लगता होगा यार, वो ऊपर जा रहा ना, एक्सेलरेशन तो नीचे है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, तो ऊपर जाने में, यहाँ तक जाने में ना ज्यादा टाइम लगता होगा, नीचे तो जल्दी आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? अर्चित आए हो कि नहीं? ठीक है, यहां से यहां तक जाने में और फिर नीचे आने में, ठीक है, इक्वल टाइम लगता है। ओके ठीक है, चलिए जरा साहब। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये एक चीज सीखा। अब देखिए जरा, यदि आपसे कोई बोलेगा कि क्या होता है टाइम ऑफ, देखना जरा, बड़ी मजेदार चीज, बड़ी मस्त चीज, नंबर पॉइंट नंबर 3 देखिए जरा यहाँ पर। ठीक है, कोई भी सेम हाइट कवर करने में, सेम हाइट पर ऑब्जेक्ट 2 बार पहुंचेगा। ठीक है, कितनी बार पहुंचेगा? 2 बार पहुंचेगा। देखना जरा, ये यहां से यहां तक आने में, ये देखना जरा, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक बार ऊपर जाते समय, एक बार ऊपर जाते समय आया। ठीक है, समझ गए? ये मान लो ये क्या है, T1 टाइम है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे जाते समय भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा ना, ठीक है, सेम हाइट पर आएगा। इसकी हाइट मान लीजिए कि y है, कितना है, y हाइट है। ठीक है, ओके, और ये हाइट कितना हो गया भैया, कैपिटल एच हो गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच। ठीक है, ओके, तो किसी भी मैक्सिमम हाइट को छोड़ करके किसी भी हाइट को ऑब्जेक्ट 2 बार क्रॉस करता है, एक बार ऊपर जाते समय, ठीक है, और दूसरी बार नीचे आते समय। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? नीचे आते समय, तो यहाँ पर T1 और T2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, T1 और T2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलिएगा कोई? ठीक है, मान लो इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर अपन ने फेंका। ठीक है, तो y के लिए रिलेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है, राइट ना? ठीक है, अब आप बोलोगे क्या यू साइन थीटा क्यों लिया, इसीलिए लिया कि ऑब्जेक्ट को तो वर्टिकली आपने ऊपर की तरफ तो नहीं फेंका ना, ठीक है, किसी एंगल पर फेंका है, थीटा एंगल पर, इसीलिए इसका इधर कंपोनेंट होगा, समझ गए, दैट विल बी यू साइन थीटा। ठीक है, समझे कि नहीं, यू साइन थीटा, इसीलिए यहां लेंगे यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको अपन यदि अरेंज करते हैं तो देखना जरा, 2i इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इनटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक बार और अरेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसको इधर ले आते हैं, तो टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2u साइन थीटा बाय जी इन टू टी, ठीक है, इन टू टी प्लस 2y बाय जी इज इक्वल टू 0, होगा कि नहीं?
राइट ना, टू वाई बाई जी इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब ये कैसा इक्वेशन हो गया, ये कैसा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये टेंथ क्लास में आपने पढ़ा है इसको, राइट ना। अब यहाँ पर आपने जब इसको पढ़ा है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे वन, b इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू यू साइन थीटा बाय जी हो गया, c इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस टू y बाय जी। अब आप बोलोगे कि आप कहोगे नहीं मेरे को y नहीं चाहिए, मेरे को स्मॉल h चाहिए। अरे ले लेना, क्या प्रॉब्लम, हाइट है ये, तो आप स्मॉल h ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए a इज इक्वल टू क्या है, वन, b इज इक्वल टू माइनस टू यू बाय जी है ना, और c इज इक्वल टू टू वाई बाय जी है ना, राइट। तो अब इसके दो रूट्स हो गए t1 और t2, मतलब दो वैल्यू हो गया t1 एंड t2, ठीक है। तो t1 और t2 में क्या रिलेशन हो जाएगा, कोई बोलेंगे, ठीक है। इसको जरा सेव कर देता हूं मैं, ठीक है ना, ये लीजिए सेव हो गया। अब इसके बाद जो थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ यार, ठीक है, ये लीजिए जरा इसको हटा देते हैं, ये लीजिए थोड़ा सा जगह हो गया, राइट। अब जरा इसके मजे लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो और चलाना सीख लेते हो तो स्टंट करने लगते हो कि नहीं करने लगते, है कि नहीं। अब वही स्टंट कर रहे अपन, ये सब कोई पढ़ाई थोड़े कर रहे, ठीक है, ये कोई पढ़ाई हुआ क्या, हाँ बोल जरा, पढ़ाई कर रहे कि टाइम पास कर रहे अपन, टाइम पास नहीं कर रही है सब, ठीक है। तो यहां से अब यहाँ आ रहा हूं, इकरुन टू इतिकरुन, ठीक है। अब देखिए जरा इसको भी भगा ही देता हूँ यार, ठीक है, ले इसको भी भगा यहाँ से, ये टाइम टाइम का मामला है, आइए जरा देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर t के दो वैल्यूज होंगे, है ना, t1 प्लस t2, राइट। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा सांगो जरा, क्या होता है, माइनस बी बाय, मेरे को नहीं पता, आप लोग बताओ, माइनस बी बाय ए होता ना, क्या रे सुमित, माइनस बी बाय ए होता ना, पहले मैसेज दिखाएगा था, हाँ सुमित ने बोला है, ठीक है। और बोल अंतरा, माइनस बी बाय ए होता है कि नहीं होता, ये आस्था, आस्था निकम कुठे के लिए, आस्था निकम मैसेज कर, हाँ मयंक ने बोला, वेरी गुड, ठीक है। सिद्धिका आज ज्वाइन की है, मैसेज करो, हाँ अंतरा के तो मैसेज आ गए, आस्था लग रहा है खाने के लिए चली गई, वो भूख लग गया उसको, देखो चिल्ला मैं रहा हूं, तुम लोग तो देख रहे होगे, भूख मेरे को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, अब वो भूख लग गई आस्था को, राम राम राम, ठीक है चलिए, ओके वेरी गुड, राइट ना। तो देखो t1 प्लस t2 कितना मजेदार चीज है, देख जरा t1
T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो गया जरा देखो, 2u साइन थीटा बाय जी। वाह जी वाह, आया मजा इस फॉर्मूले में। ये देख यहाँ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u बाय जी आ गया तेरा, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक आने में कम टाइम लगेगा, यहाँ से ये से आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए और एक दूसरा देखो जरा, अगेन जरा देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बोल। T1 इंटू T2 इज इक्वल टू प्लस सी बाय ए, ठीक है, होता कि नहीं होता, होता है ना, यस, प्लस सी बाय ए, राइट। तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, तो रे राजवर्धन कहाँ है, क्या है यार तू भी, 2y by g, a का वैल्यू तो 1 है ना यार, ये देख 1 है, ठीक है। तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2y by g, ये रिलेशन हो गया। अब एक बात बताओ कि आपसे कोई पूछे कि आपके पास ये दिया हुआ है, तो तुम ही सांगा मला आपसे कोई बोलेगा T2 माइनस T1 बताओ, ठीक है, T2 माइनस T1 बताओ, और ये दो चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो T2 माइनस T1 बताओ, देखते हैं कौन बनाता है, जल्दी, बस इसी दोनों के हेल्प से बनाना है, इकरून तिकरून जायचे नहीं, इधर भी नहीं देखने का, इकड़े बगाइचे नहीं, जल्दी अनुराग मयंक, जल्दी जल्दी पेन चला, दिमाग चला, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट कर दूं क्या, ले, ये अपन कहाँ चले गए, 8th क्लास में चले गए, T2 प्लस T1 All square minus 4 T1 into T2, ठीक है, T1 into T2, राइट, ऐसा लिख लेंगे बल्ले बल्ले, राइट, है कि नहीं। तो इस सब को एप्लीकेशन को अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, एंजॉय करो, क्या प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो T2 माइनस T1 भी आ जाएगा, देखो ये सब यदि अपन को याद रहेगा तो कितना टाइम लगेगा, धन धनाधन फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, है ना। अब ये T2 प्लस T1 लिखो या T1 प्लस T2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो 2u साइन थीटा बाय जी होल स्क्वायर माइनस 4, और ये क्या है 2y/g, 8y/g, ठीक है। ओके, 8y/g वैल्यू पुट करेंगे और डन डन डन, राइट। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कल हम लोग मिलेंगे इसी तरह से, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा बोर्ड बुक की रीडिंग मारने का, क्या करने का, बोर्ड बुक की रीडिंग मारने का, राइट ना। चलिए कल सबने टेस्ट दिया था, टेस्ट की तो बात ही नहीं करी यार मैंने, सबने टेस्ट दिया था, मयंक तूने टेस्ट दिया था कि नहीं, अच्छा अनुराग ने दिया, सादिया तुम ही टेस्ट दिले न,
ना पहले टेस्ट का बता फिर जय हिंद करेंगे। सुमित सुमित टेस्ट दिया था ठीक। और क्या नाम है आस्था, मुद्रा भी दी वेरी गुड, श्रेयस भी दिया ठीक, मानसी। अब देखो टेस्ट में यदि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो क्लास के बाद आज मैट जो जो भी प्रॉब्लम हुआ समझ गया ना, क्लास के बाद समिता मैडम का नंबर शायद आपके उस पर गया होगा ठीक है, उनसे कॉल करने का और बताने का कि क्या क्या प्रॉब्लम हुए थे ठीक है। ओके कब कॉल करोगे, 3 और 4 के बीच में ठीक है ना, क्लास व्लास पढ़ने के बाद, ताकि अपन उसको सॉर्ट आउट कर सके क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम के कॉज को सीखने का राइट। ओके जय हिंद। आज नेट बहुत दिक्कत किया, बहुत ही दिक्कत किया। दिक्कत तो है सर लग रहा है मेरे को, 3-4 बार।